हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो बिगनर्स भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि भाई कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जिससे हमारा जो है वेट तेज़ी से बढ़े, कोई ऐसा डाइट प्लान बताइए जिससे हमारे जो मसल्स हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो उनकी और हमारा वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़े। आज के इस वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आप नेचुरली बिना सप्लीमेंट के वेट गेन कैसे कर सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वो आपको छोड़ना है और कौन सी टिप्स आपको फॉलो करना है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आपको करना क्या है कि आपको वीडियो के लास्ट तक रुकना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनको भी यूनिक इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको नेचुरली जो है तेजी से वेट बढ़ाना है तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि आप दिन भर में जितना कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उससे आप 300 से 400 ग्राम कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना होगा। इससे क्या होगा कि आपके अगर ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो आपके जो वेट बढ़ाने के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, तो इससे आपका वेट जो है नेचुरली बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसके साथ आपको अगर और तेजी से वेट बढ़ाना है तो उसमें आप 500 से 700 ग्राम कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। तो हमारी जो दूसरी टिप है उसमें क्या है कि आपको लो वॉल्यूम फूड चूज करना है जिसमें कि आपको खाना कम पड़े और आपको कैलोरीज की जो मात्रा है वो ज्यादा मिले। इससे क्या होगा कि आपको कम खाना पड़ेगा और आपको जो जितनी कैलोरीज की जरूरत है वो आपको कम खाने में ज्यादा कैलोरीज मिल जाएगी। इसमें आप जो है डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हेल्दी ऑयल ले सकते हैं, पीनट ले सकते हैं, पीनट बटर भी ले सकते हैं, होल एग्स ले सकते हैं, होल मिल्क ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं। अगर आपको जो है इस पे एक वीडियो चाहिए है जो है वेट गेन की डाइट पे तो कमेंट करना, उस पे भी एक वीडियो बना देंगे। अब हम बात करते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि आपको करना है। अगर आपको वेट गेन करना है तो वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको घर पर करना है, घर पर भी कर सकते हैं, आप जिम में भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है उससे पहले आपको बता दें कि आपको ज़्यादातर कंपाउंड एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपको वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है उसमें आपको करना है बेंच प्रेस। बेंच प्रेस किस तरह किया जाता है आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो है जल्दबाजी नहीं करना है, आपको आराम आराम जो है अपने चेस्ट की मसल पे लोड देके आराम आराम करना है। इससे आपकी चेस्ट मसल जो है बहुत तेजी से ट्रेंड होती है, साथ में आपके ट्राइसेप मसल भी काफी अच्छा लोड पड़ता है जिससे साथ में आपकी ट्राइसेप मसल भी काफी तेजी से ग्रो होती है। तो हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो है स्क्वाट। स्क्वाट भी आप देख सकते हैं किस तरह किया जाता है। इससे आपकी जो है लेग मसल काफी तेजी से ट्रेंड होती है, साथ में आपकी जो बॉडी की स्टेमिना बहुत ही तेजी से बढ़ती है। साथ ही आपको एक और टिप दे दूं कि आप जब अपने लेग का वर्कआउट करते हैं इसमें आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है जिससे आपकी बॉडी बहुत ही तेजी से ग्रो होती है। हमारी जो अगली एक्सरसाइज होने वाली है वो है शोल्डर प्रेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको दो डंबल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप बारबेल रॉड में प्लेट लगा के भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज को किस तरह करना है। इस एक्सरसाइज को आपको आराम आराम करना है, नहीं तो आपका शोल्डर इंजर्ड होने का डर है। तो आपको वेट उतना ही लगाना है जिससे आप आसानी से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। तो आपको इस एक्सरसाइज को आराम आराम करना है, इससे आपकी शोल्डर मसल बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड होती है, साथ में आपकी ट्राइसेप मसल भी बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड होती है। तो इस एक्सरसाइज को भी जरूर करें जिससे आपका वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। हमारी जो अगली एक्सरसाइज होने वाली है वो है डेडलिफ्ट। आपको एक्सरसाइज को किस तरह करना है आप देख सकते हैं। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो आपकी बैक में इंजरी हो सकती है। आपको वेट उतना ही लगाना है जिससे आपका 10 से 12 रेपिटेशन आसानी से निकल सके, जिससे आपकी बैक मसल बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड होती है, जिससे आपका वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो इन एक्सरसाइजों को आपको घर पे 4 से 5 सेट लगाना है, हर सेट में अपने हिसाब से जो है रेपिटेशन निकालना है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगली टिप की तरफ। अगर आपको तेजी से वेट गेन करना है तो आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस पे कम फोकस करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल से छोड़ देना है, आपको हफ्ते में एक दिन आप जो है कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको अगर तेजी से वेट गेन करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है एक बार में ज्यादा खाना खाना है, आपको जो खाना आप दिन भर में खाते हैं वही 5 से 6 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है 5 से 6 बार में जो है थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, तो इससे आपको ज्यादा खाने की आदत पड़ जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगेंगे। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खाएंगे जिससे आपके वेट बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। साथ में आपको एक और टिप दे दूं कि अगर आप जो है
तेजी से वेट गेन करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करिए। आपको 2 दिन का जो है पूरा रेस्ट देना है। इससे आपकी जो मसल्स जो है ब्रेक डाउन हुए हैं, आप जब अच्छे से डाइट वगैरह लेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं अच्छे से रिकवर होंगे, वहीं से आपकी मसल्स की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जिससे आपका वेट काफी तेजी से बढ़ेगा। जो लास्ट टिप होने वाली है बहुत ही ज्यादा जरूरी टिप है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपको क्या करना है कि अगर आपको तेजी से वेट बढ़ाना है तो आपको खाने से पहले आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का जो खाना पचाने का एसिड होता है वो हल्का पड़ जाता है। और आपको बीच बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जो है थोड़ा सा पानी पिए, आपको बीच में भी पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है कि आप अगर ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आप कम खा पाते हैं। अगर आप कम खा पाएंगे तो आपके बॉडी में कम कैलोरीज जाएगी, जिससे आपके वेट बढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है कि आपको जब खाना खाने बैठें उससे आधा घंटे पहले पानी पी लें। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो तो कोशिश यह करें कि बीच में पानी बिल्कुल ना पिए। उसके बाद जब खाना ख़त्म करें तो आधे घंटे के बाद पानी पिए, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज आएगी तो आपकी बॉडी जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी टिप अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनको भी यूनिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।